हे गाइस, माय नेम इज़ राहुल गंगोत्री एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लाउडवेज के बारे में। सो क्लाउडवेज एक बहुत ही बढ़िया क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें मिलते हैं 5 क्लाउड प्रोवाइडर्स, जैसे कि डिजिटल ओशन, लिनोड, वॉल्टर, AWS एंड GCP। GCP मीन्स क्लाउड, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली अगर आप डायरेक्टली इनसे सर्विस लेते हैं, जैसे आप जैसे फॉर एग्जाम्पल AWS का आप EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, फिर लिनोड के लिए आप कोई सर्वर परचेज करते हैं, सो आपको वहाँ पे सर्वर मैनुअली सेटअप करना पड़ता है टू इंस्टॉल लाइक लिनक्स एंड एवरीथिंग। सो इवन टू इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर डेबियन जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड देन उसकी आपको बहुत टाइप की कमांड्स होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो क्लाउडवेज जो होता है वो एक सर्विस है जो ऑन टॉप ऑफ डैट होती है, मतलब एक लेयर ऑन टॉप ऑफ ऑल दी सर्विस। सो वो आप लोगों को सब कुछ सेटअप करके देती है। सो इट्स दी वन क्लिक इंस्टॉल एवरीथिंग। सो जस्ट चूज दी सर्वर एंड साइजेस वट एवर यू वॉन्ट एंड देन क्लिक ऑन लॉन्च नाउ एंड देन योर सर्वर इज़ लाइक सेटअप इन लाइक विद इन 7 मिनट्स और सो। सो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम एक सर्वर सेटअप करने वाले हैं और क्लाउडवेज के थ्रू। क्लाउडवेज बेसिकली क्या करता है, सिर्फ PHP को ही सपोर्ट करता है अभी। सो PHP की वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, मजेंटा, लावल, कोडिग्नाइटर और सो ये सब आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ कस्टम PHP ऐप। सो ये ब्लैंक ऐप होगा, मतलब ब्लैंक एप्लीकेशन होगी, कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप लार्वल पर क्लिक करते हैं तो सबसे लेटेस्ट जो वर्जन होगा लार्वल का वो आपको इंस्टॉल होते मिलेगा, तो ताकि आप उसमें डेवलपमेंट चालू कर सकें अपनी विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑफ लाइक इंस्टॉलिंग लार्वल एंड एवरीथिंग। सो मैंने अपना नाम दे दिया यहाँ पे, मैंने सर्वर का नाम दे दिया एंड देन प्रोजेक्ट मेरा पहले से बना हुआ था बिकॉज मैं क्लाउडवेज यूज़ करता हूँ, ऑब्वियसली बात है। सो अभी हम सेलेक्ट करने वाले हैं डिजिटल ओशन, लिनोड या फिर ये, मतलब कुछ भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। 5 सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो ऐसा नहीं है कि बेसिकली ये एक ऑफलाइन चीज़ है कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा फिर क्लाउडवेज वाले जाएंगे AWS पे जाके मेरा सर्वर बनाएंगे, मेरे को IP देंगे, कुछ नहीं। सब कुछ ऑटोमेटेड है बिकॉज ये दे आर यूजिंग द API ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस। सो अगर आप डिजिटल ओशन पर जाते हैं तो डिजिटल ओशन आपको इन सब की API देता है, डिजिटल ओशन API। सो यू कैन सी द डिजिटल ओशन API एंड देन सेम एज लिनोड, वॉल्टर, AWS एंड GCP। सो ये सब की आपको API मिल जाएंगे, आप खुद भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर ज़्यादा कमांड वगैरह नहीं चलानी है तो आप सीधा क्लाउडवेज पर आ सकते हैं एंड देन लॉन्च नाउ पर क्लिक कर सकते हैं एंड देन मज़ा देख सकते हैं आपके सर्वर को डिप्लॉय होते एक विद इन 7 मिनट्स विदाउट राइटिंग एनी सिंगल कमांड। सो अब हमें क्या करने वाले हैं कि डिजिटल ओशन पर जैसे देखते हैं कि ये बहुत सारे सर्वर्स हैं, 192 GB तक जा रहा है आपका प्लान, 192 GB रैम इज़ हेल लॉट ऑफ रैम। सो उसमें हम जा सकते हैं, लिनोड में मैं क्लिक करने वाला हूँ। सो सर्वर साइज़ में सेलेक्ट करूँगा 1 GB बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ टेस्टिंग वीडियो, और सॉरी टेस्टिंग नहीं है, मतलब जाएगी तो यूट्यूब पे, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ, तो मेरे को यूज़ नहीं करना अभी फिलहाल ये। सो मैं मुंबई सेलेक्ट करूँगा बिकॉज आई एम लिविंग इन इंडिया एज यू गाइज नो एंड लेट्स क्लिक ऑन लॉन्च नाउ। जैसे मैं लॉन्च नाउ पे क्लिक करूँगा, बेसिकली क्या होता है जब भी आप फर्स्ट टाइम इस पे आते हैं तो आपको क्या होता है कि एक ट्रायल पीरियड मिलता है जो आपका आई थिंक 3 डेज का होता है। सो हाँ, 3 डेज का होता है। सो ट्रायल पीरियड आपका होता है 3 डेज का, जिसमें आप अपना टेस्ट फिक्स कर सकते हैं और अपना एक सर्वर बना के देख सकते हैं लिनोड जिस मर्जी पे। बस आप AWS एंड GCP पे सर्वर नहीं बना सकते बिकॉज दे आर लाइक प्रीमियम सर्विस जिसे आप कह सकते हैं, तो बाकी सब पे आप एक तरीके से फ्री टेस्टिंग कर सकते हैं 3 दिन के लिए, फिर 3 दिन बाद आपका चार्ज लगना चालू हो जाएगा उस सर्वर पे। सो नाउ एज यू कैन सी आर सर्वर इज़ नाउ डिप्लॉयड एंड वी कैन सी दी आर IP एड्रेस एंड देन आर 1 GB रैम एंड द लोकेशन जो हमारी, मतलब जहाँ पे सर्वर हमारा लोकेटेड है। सो मुंबई में लोकेटेड है, ये हमारी IP एड्रेस एंड देन ये हमारी रैम है। सो लेट मी क्लिक ऑन द सर्वर। सो ये हमारा बेसिक कंट्रोल पैनल है जिसमें हमारा SMTP की डिटेल्स हैं, बैकअप्स हैं, सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। सो अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सर्वर्स में जाना है यहाँ पे एंड देन एप्लीकेशन में सर्च करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एक एप्लीकेशन तैयार होती है, तो उसमें हम क्लिक करते हैं एंड देन सबसे पहली चीज़ जो होती है वो हमारी होती है यूज़र नेम और पासवर्ड सेटअप करना अपने एप्लीकेशन के लिए, बिकॉज हमें SSH के थ्रू इसको एक्सेस करना पड़ेगा जो हमें बेसिक सेटअप करना है। सो एज यू कैन सी ये हमारा सेटअप हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि अपनी एप्लीकेशन सेटिंग में जाना है। ओके सो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं एक्सेस डिटेल्स में जाता हूँ और अपनी यूजर नेम कॉपी करता हूँ सबसे पहले एंड देन गिट बैश ओपन करता हूँ। तो गिट बैश के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इंटरनेट पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो गिट के बारे में बताती हैं एंड देन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द गिट फ्रॉम हेयर। सॉरी मैंने हेयर ही लिख दिया यार। गेट
सो गिट अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आप यहाँ पे अपना अपने पीसी के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं गिट को। एंड उसके बाद आप यहाँ पे गिट राइट क्लिक करके गिट बैश शेयर करेंगे तो वो बैश खोल देगा। सो अब यहाँ पे लिखता हूँ SSH एंड देन अपना यूजर नेम विच इज़ हैकर राहुल एट द रेट अपना आईपी एड्रेस। तो मैं आईपी एड्रेस अपना कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, देन आईपी एड्रेस में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इसे एंट्री करूँगा फर्स्ट टाइम में उससे पूछेगा येस करना है मेरे को फिंगरप्रिंट के लिए, येस ओके। पासवर्ड कॉपी करता हूँ एंड देन पासवर्ड में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ ये हमारे को कहेगा कि नो यू कैन नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस सर्वर। वाई? बिकॉज हमारा जो एप्लीकेशन सेटिंग्स में हमारा जो SSH एक्सेस है वो अभी बाई डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होता है, तो हमें सबसे पहले उसे इनेबल करना है एंड देन इसे ओके कर देते हैं। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा SSH की जो परमिशन है वो इनेबल्ड हो चुकी है, SSH एक्सेस हमारा अब है। तो अब हम क्या करते हैं, सेम कमांड फिर से रन करते हैं। तो हम अप आरो की दबाएंगे एंड देन हमारा पासवर्ड हमारे पास कॉपीड है तो हम पेस्ट कर देते हैं। देन एंटर्ड, वी कैन सी दैट हम अपनी पब्लिक HTML के वेब रूट में आ गए हैं। वेब लॉग्स हमारा ये है, कब हमारा एक्सेस हुआ है, उसकी डेट एंड टाइम हमारा ये है। सो लेट्स ls कमांड हम रन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी index.php फाइल जो है वो यहाँ पे हमें दिख रही है। अब हमें दो तीन चीज़ें और करनी है टू लाइक मतलब बेसिक सेटअप हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले हमें देखना है अपना एप्लीकेशन URL। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एप्लीकेशन URL आपको मिलता है। अगर आप अपना डोमेन पॉइंट करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको करना पड़ता है कि जो आपका IP एड्रेस है आपके डोमेन रिकॉर्ड में, आपके डोमेन के DNS रिकॉर्ड में आपको ए रिकॉर्ड बनाना पड़ता है एंड देन ए रिकॉर्ड को पॉइंट कर देना होता है दिस IP एड्रेस पे। सो आपका डोमेन जो होगा वो इस वाले क्लाउड वेस पे पॉइंट हो जाएगा एंड देन यू हैव टू जस्ट डोमेन मैनेजमेंट में जाके आपको अपना डोमेन यहाँ पे ऐड कर देना है प्राइमरी डोमेन एंड देन सेव चेंजेस। तो आपका डोमेन आप एक्सेस कर सकते हैं इस अपनी वेबसाइट के लिए। सो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डिफ़ॉल्ट URL है एंड देन DNS प्रोपोगेशन में बेसिकली 24 आवर्स का टाइम, मतलब कहते हैं लग जाता है लेकिन लगता तो ऑलमोस्ट 1 to 2 hours का टाइम है, मतलब कभी कभार आधा घंटा लगता है, कभी कभार 15 मिनट में भी हो जाता है। सो अभी मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यहाँ पे खोल देता हूँ अपना डिफ़ॉल्ट URL जो कि मुझे क्लाउड वेज ने बना के दिया है। सो ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज है, जो हमारा इंडेक्स पेज है, जो आपको यहाँ पे मैंने ls कमांड के थ्रू बताया इंडेक्स पेज, ये हमारा इंडेक्स पेज है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि अपना एक फाइल मैनेजर इंस्टॉल करने वाले हैं। सो फाइल मैनेजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिकॉज कोई भी अगर आपको फाइल एडिट करनी है ऑनलाइन, क्योंकि आप हर बारी अपने FTP को ओपन नहीं करते रहते हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी कामों के लिए, तो आप ऑनलाइन आराम से फाइल मैनेजर में जाके फटाफट चेंजेस कर सकते हैं कुछ ना कुछ। सो फाइल मैनेजर इज़ दी नेसेसिटी। सो मैं टाइनी फाइल मैनेजर रिकमेंड करता हूँ बिकॉज सिंगल पेज एप्लीकेशन है टाइनी फाइल मैनेजर .php की एक फाइल होती है, जस्ट वो आपको अपलोड कर देनी है एंड देन यू आर गुड टू गो। सो मैं गिटहब पे जाता हूँ, सबसे ईजीएस्ट वे दिखाऊंगा आपको इसको इंस्टॉल करने का। सो टाइनी फाइल मैनेजर .php में खोलता हूँ, रॉ पे क्लिक करता हूँ, इन कॉपी दिस URL, इन गिट में जाता हूँ मैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ wget space जो हमने URL कॉपी करा है एंड देन एंटर। सो आप देख सकते हैं हमारा ls कमांड के थ्रू कि हमारी टाइनी फाइल मैनेजर जो फाइल है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि अपने फाइल मैनेजर को एक्सेस करते हैं। सो बेसिकली जो हमारा URL है /tinyfilemanager.php, हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर मारेंगे तो हमारा ये फाइल मैनेजर खुल जाएगा। अब इसकी डिफ़ॉल्ट लॉगिन डिटेल्स हैं admin@123, वो आपको उसके पेज पे मिल जाएंगी, टाइनी फाइल मैनेजर के पेज पे मिल जाएंगी उसकी लॉगिन, मतलब लॉगिन डिटेल्स जो भी हैं उसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन डिटेल्स फॉर डेमो पर्पसेस। सो यहाँ पे ये मेरा टाइनी फाइल मैनेजर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ index.php को एंड देन लेट्स डू द कपल ऑफ थिंग्स मोर। सो अब हमें क्या करना है कि PHP माई एडमिन इंस्टॉल करना है। सो PHP माई एडमिन बेसिकली होता है डेटाबेस हैंडलिंग के लिए, मतलब हैंडलिंग के लिए, तो मतलब आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती बिकॉज क्लाउडवेज आपको एक अपना डेटाबेस मैनेजर देता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्च डेटाबेस मैनेजर, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पे क्लाउडवेज का एक डेटाबेस मैनेजर है जिसके थ्रू भी आप सारे वो काम कर सकते हैं जो आप PHP माई एडमिन पे करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि आपको हमेशा से आदत पड़ गई है PHP माई एडमिन पे काम करने की, सो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, मतलब ऑकवर्ड नहीं लगता बस थोड़ा सा हाथ पे नहीं मतलब बैठा हुआ ना, तो मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है काम करते हुए। सो आई विल नॉट रिकमेंड इट। सो लेट्स इंस्टॉल इट
एंड देन मैं डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ। सो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेजेस के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड देन आई विल इंस्टॉल इंग्लिश जिप। ओके, सेव फाइल, डोनेट का भी बाद में कर देंगे हम लोग। ओके एंड देन क्लोज इट। जो भी हमने इंस्टॉल करी है, जो मतलब डाउनलोड करी है फाइल, उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइनी फाइल मैनेजर डॉट पी एच पी का डोमेन नहीं बदला है, बस उसका एक्सटेंशन मतलब ये पैरामीटर्स बदल रहे हैं। सो अब ये है पेज अपलोड पे, तो ये अपलोड भी करवा देगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप जोन लगा हुआ है, ड्रॉप जोन जेएस का जो प्लगइन है वो इसमें इंस्टॉल्ड है। सो उसके थ्रू यहाँ पे अपलोड हो चुका है। मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है। अब मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ एंड देन इस पर क्लिक करता हूँ अनजिप पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक पी एच पी माई एडमिन का एक फोल्डर तैयार हो गया है। तो मैं ये जिप फाइल को डिलीट कर देता हूँ एंड देन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा इसके अंदर मेरे सारे के सारे जो फाइल्स हैं पी एच पी माई एडमिन के लिए जो नेसेसरी है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है कि इसको सिंपली रीनेम कर देता हूँ मैं टू पी एच पी माई एडमिन, दैट्स इट। सो पी एच पी माई एडमिन मेरा रीनेम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने क्लाउडवेज के एप्लीकेशन में चलते हैं। अच्छा, ये फॉरबिडन क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने इंडेक्स पेज डिलीट कर दिया था एंड देन बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउडवेज क्या करता है कि आपके जो अलाउ इंडेक्सेस होते हैं मतलब जो इंडेक्स पेज होता है वो नहीं दिखता, फिर रूट डायरेक्टरी की जितनी फाइल्स होती हैं वो नहीं देखेंगे लोकली। सो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सही रहता है। एंड देन मैं इसमें क्लिक करता हूँ पी एच पी माई एडमिन। सो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पी एच पी माई एडमिन का लॉगिन पेज खुल गया है। सो अब इसका यूज़र नेम पासवर्ड भैया हमने सेट करें नहीं तो मिलेगा से। तो हम चलते हैं अपने क्लाउड बेस के एप्लीकेशन में एंड देन एप्लीकेशन में आप देखते हैं माई एस क्यूएल एक्सेस। तो मैं यहाँ से यूज़र नेम कॉपी करता हूँ, यूज़र नेम और डी बी नेम सेम होते हैं बेसिकली। सो यूज़र नेम में कॉपी करा एंड देन पासवर्ड बाय डिफॉल्ट जो सेट है आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं क्या है। सो मैं यहाँ से इसे पेस्ट करता हूँ एंड देन गो कर देता हूँ। सो यहाँ पे मेरा डेटाबेस तैयार हो चुका है बनके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा एक एरर आ रहा है। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल नाउ नीड अ सीक्रेट पासफ्रेज ब्लूफिश सीक्रेट। सो ये एक छोटा सा एरर है जिसको हम बहुत जल्दी फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पी एच पी एडमिन पे जाऊँगा एंड देन इसके अंदर सारी फाइल्स होती हैं हमारी, और यहाँ पे एक छोटी सी फाइल है कॉन्फिग डॉट सैम्पल डॉट इंक डॉट पी एच पी। सो हमें इसको सिंपली रीनेम कर देना है ये वाली फाइल। तो हम इसमें रीनेम करके यहाँ पे हम सैम्पल हटा देते हैं बेसिकली इस फाइल से, और इसे कर देते हैं कॉन्फिग डॉट इंक डॉट पी एच पी। तो जैसे ही हम इस फाइल को ओपन करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूफिश सीक्रेट। अब आप यहाँ पे सबसे खास चीज़ देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले तो प्रीव्यू मिलता है, उसके बाद आप एडवांस एडिटर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपने फाइल को एडिट कर सकते हैं, और सब कुछ विद इन वन फाइल है। मतलब टाइनी फाइल मैनेजर डॉट पी एच पी सब कुछ हैंडल कर रहा है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना बढ़िया सिस्टम है ना भाई सब। तो अभी हम क्या करते हैं ब्लूफिश सीक्रेट जो है उसको ऐड कर देते हैं। तो ब्लूफिश सीक्रेट को सबसे मतलब सिक्योर वे है कि आप अपना नाम वाम तो लिखिए मत इसमें। यहाँ पे चलते हैं हेल्प में और यहाँ पे हमारा जनरेटर न्यू पासवर्ड आता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैकर राहुल एट द रेट 123 एंड देन जनरेट कर देते हैं। तो ये हमारा एक हैश जनरेट हो गया जो कि पासवर्ड अंडरस्कोर हैश का फंक्शन यूज़ होता है पी एच पी का। तो ये टाइनी फाइल मैनेजर वही यूज़ करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया एंड देन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट गिवन है, तो मैं यहाँ पे पीएचपी सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे हम थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ड्रैकुला थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक थीम एडिटर बन गया, तो काम करने में काफ़ी आसानी होती है एंड ये एक हद तक एचटीएमएल का मतलब ऑटो कम्प्लीट कोड का वो दे देता है। ऑटो कम्प्लीट टैग नहीं होते जैसे एचटीएमएल लिखते हैं और जैसे हम क्लोज़ करते हैं टैग को वैसे ही उसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो वो उसमें सपोर्ट मिल जाता है टाइनी फाइल मैनेजर में। एंड सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि हम कंट्रोल एस टू सेव कर सकते हैं, दैट्स द बिगेस्ट पार्ट आई थिंक फॉर टाइनी फाइल मैनेजर। तो हम इसको कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं। हम देख सकते हैं सेव हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ से इसको हम बैक कर देते हैं एंड देन जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं अपने यहाँ पर पी एच पी एडमिन पे हम रिफ्रेश करते हैं एंड देन इसकी थोड़ा सा बिकॉज हमने चेंज करा है कॉन्फिग फाइल में तो इस वजह से ये दोबारा से लॉगिन करवाएगा। सो लॉगिन करते हैं एंड देन वी कैन सी द आर एरर हैज़ गॉन नाउ। सो एरर अब नहीं आ रहा है। तो अब बेसिकली आप अपना आराम से डेटाबेस बना सकते हैं एंड देन उसमें इंसर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ भी कर सकते हैं। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि
जो हमारा यूआरएल है ये वाला, इसको यहाँ पे खोल लेते हैं। यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल बनाते हैं सबसे पहले। तो इंडेक्स फाइल बनाने के लिए आपको करना है न्यू फाइल, एंड देन फाइल पे क्लिक करना है इंडेक्स डॉट पी एच पी। दैट्स इट, इंडेक्स डॉट पी एच पी बन गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको फाइल को सबसे पहले पी एच पी का सपोर्ट दे देते हैं इसे, एंड देन मैं ड्रैकुला थीम, आई लव ड्रैकुला थीम। ओके सो ड्रैकुला तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम कनेक्शन तैयार कर देते हैं छोटा सा फटाफट से। और यहाँ पे हम देते हैं लोकल होस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो पैरेंथेसिस इसने क्लोज कर दिया। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ, और यहाँ पे मैं यूजर नेम देता हूँ, पासवर्ड मेरा है ये वाला पासवर्ड दे दिया मैंने, एंड देन मेरे को लास्ट में देना है डीबी नेम। सो डीबी नेम मेरा सेम है, तो मैं डीबी नेम भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन मैं चेक कर लेता हूँ कि इफ़ नॉट कनेक्टेड डॉलर नॉट कनेक्टेड। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कोड हाईलाइटिंग भी बहुत ही प्यारे तरीके से हो रही है। सो एको नॉट कनेक्टेड अदरवाइज एको कनेक्शन सक्सेसफुल। ओके सो दोनों को मैं एक H1 टैग में देता हूँ बिकॉज वो स्क्रीन पे आपको अच्छे से विजिबल होएगा। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसे। ओके सो यहाँ पे मैंने कंट्रोल S2 सेव करा और ये सेव हो चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे दिखता है नॉट कनेक्टेड बिकॉज वन सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा ओके सॉरी, नहीं। ओके सो हमने सब कुछ पासवर्ड दे दिया, तो पासवर्ड में पासवर्ड देना था, बाकी सब में हमें अपना क्लिक टू कॉपी करना है। देन यहाँ पे भी, एंड देन जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखता है कनेक्शन सक्सेसफुल। ओके सो यहाँ पे कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली मतलब हो चुका है। अब यहाँ पे अपना इंसर्ट क्वेरी वगैरह वगैरह लगा सकते हैं, एंड देन ईजिली हम अपना काम भी कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा होगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे बेस्ट पार्ट जो है इसका वो है मतलब हमें कोई भी एक कमांड नहीं टाइप करनी पड़ती और कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब कुछ वन क्लिक हो जाता है। तो बस थोड़ी सी चीज़ें करके एक टाइनी फाइल मैनेजर इंस्टॉल करके एंड देन पी एच पी मॉडल इंस्टॉल करके हम कोई भी एक पी एच पी में इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन कमेंट डाउन बिलो, एंड देन ऑल्सो डू चेक आउट क्लाउडवेज। अगर आपको ये पसंद आई सर्विस, आप मेरे लिंक से, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक गिवन है जो कि एक एफिलिएट लिंक है, अगर आप मेरे लिंक से लेंगे तो चैनल की हेल्प होगी बेसिकली। चैनल की नहीं मतलब, हाँ मतलब चैनल की हेल्प होगी, मैं आगे से बढ़िया सी वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि इसमें मेरे पैसे खर्च हुए हैं एक्चुअल में। सो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, एंड देन मिलते हैं अगली बार। थैंक्स अ लॉट, बाय।